स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSSC 12th लेवल सेकेंड वैकेंसी जो है यहाँ पे आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का अगले माह जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या आप लोगों का 3000 प्लस पद है, ठीक ना। बिग अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग 12th पास हैं तो ये वैकेंसी भर सकते हैं और बहुत ही बेजोड़ की वैकेंसी है। 8 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आ रही है सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं, दिया गया कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन अगले माह आएगा। 3000 से अधिक होगी रिक्तियां, 3000 से अधिक रिक्तियां हैं और अगले माह जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद डिटेल के साथ दिया गया, हम लोग डिटेल के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते दिया गया कि अगले माह द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन आएगा। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पास अब तक 2000 रिक्तियां इसके लिए आ चुकी है। 2000 रिक्तियां अभी तक आ चुकी है। ये रिक्तियां 6 विभागों ने 8 श्रेणियों में भेजी, 6 विभागों ने 8 श्रेणी में भेजी है। अभी तक जो है लगभग आधा दर्जन विभाग और रिक्तियां भेजेंगे। जल्द ही 1000 और रिक्तियां आने की संभावना, 1000 और रिक्तियां जो है आने की संभावना है, ठीक। उसके बाद यहां पे दिया गया कि अगले माह के मध्य तक इसका विज्ञापन आने की संभावना, अगले माह का जो है मध्य तक मतलब कि 15 अगस्त तक जो है इसका विज्ञापन आने की संभावना है और सितंबर के मध्य तक इनका ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है सितंबर के मध्य तक होगा। अब तक जो है आई रिक्तियां को अधिकतर LDC के पद है जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी होगा। आप लोगों का इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। विज्ञापन में जो है कुछ ऐसे पद की रिक्तियां भी शामिल होगी जिनके लिए फिजिकल टेस्ट देना जरूरी होगा, ठीक ना। कुछ विज्ञापन में जो है ऐसे रिक्तियां हैं जिसमें कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक ना। तो देख लेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद यहां पे दिया गया कि 8 वर्ष बाद आएगा इंटर स्तरीय पदों का विज्ञापन। लगभग 8 वर्षों के बाद जो है इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आने वाला है। मालूम हो कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2014 में आया था और इसमें लगभग जो है 18 लाख छात्रों ने आवेदन दिया था, 18 लाख छात्रों ने आवेदन दिया था 2014 में। हालांकि इसकी वजह से 13000 की विशाल रिक्तियां थी, इस बार रिक्तियां उसकी लगाई चौथाई ही होगी, ठीक ना, लगभग चौथाई ही होगी। लिहाजा आवेदकों की संख्या भी 10 से 12 लाख से अधिक होने की संभावना, 10 12 लाख आवेदन जो है हो जाएगा, ठीक। और 3000 से प्लस पद पे जो है भर्तियां आने वाली है। अगले माह जो है मतलब 15 से 17 20 अगस्त के बीच जो है आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और सितंबर में 15 सितंबर से 20 सितंबर तक जो है आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कुछ आप लोगों के लिए अपडेट थी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।